अरे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तो फर्स्ट गियर पे मैंने रेस दी तो बोलता उड़ा दे आगे से उड़ा दे। एक ही पे चढ़ रही है, चढ़ जाएगी। अब ये उतर जा, उतर जा। तो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू टुडेज न्यू व्लॉग। कैसे हो? गुड मॉर्निंग गाइस, आज नया व्लॉग बहुत दिन बाद और आज चलेंगे हम लोग कहीं लंबे टूर पे। तो माय बीस्ट, लेट्स गो। गंदी हो गई है। हाँ ठीक है यार, इसका कभी हो जाएगा सब सब। चलाने आती है ना तू? आओ बैठो, तो अभी आपको राइड करवाता हूँ। आओ बैठो, राइड करवाता हूँ, आ जाओ। अभी हम लोग हैं स्टार मॉल के पास में, सेक्टर 30। यहाँ पे मेरा पीजी है, सेक्टर 30 है, यहाँ पे मेरा पीजी है। तो पहले राम प्यारे को करवाएंगे फुल, कोई नहीं करवाएंगे। नहीं मिल रहा है वो लोकेशन, नहीं मिल रहा है। दिखाओ, आपने पास, आपके पास वो था ना, रील था ना, वो देखो मिल गया। खोलो यार, इसका नाखून काटो। बताओ इसको खोलना है, इतनी मेहनत। यार यहाँ पे पता है अचानक से कोहरा आ गया था एक दिन, मतलब नॉर्मल चल रहा था सब ठीक। हाँ बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कोहरा था कि सामने वाला कुछ दिख नहीं रहा था। उस दिन तो भयंकर था, उस दिन ठंड भी थी। नोएडा गए थे? वाह यार, यार यहाँ पे ये साला बंद इतनी देर के लिए करते हैं ना, क्या बात है। अलवर रोड है। मैं भी यार यहाँ पे नया ही हूँ, मेरे को भी कितना टाइम हुआ है। हाँ टाइम हो गया है, बट चलो एक तो यहाँ से ट्रैफिक से निकलता है। मैं पता है जब यहाँ पे, जब पहली बार, याद है बार ट्रिप आए थे हम लोग, घूमे थे बहुत सारे यहाँ पे। कहाँ गए थे अपन? वो अपन जो दिल्ली में, हर जगह थे, साइबर अब गए थे घूमने के लिए, साइबर सिटी और वो अपना रेड फोर्ट वगैरह सब। तब मैं पता क्या सोचा था, तब मैं सोचा था यहाँ पे इतना पॉल्यूशन है, यहाँ तो मैं कभी नहीं आऊँगा। ज़िंदगी देखो कहाँ ला के खड़ा कर दी। ले आ, तू ही ले आ पहले, तू ले जा। यहाँ पे पता है लोगों को पता है गाड़ी का वो नहीं, यहाँ पे लोग जो टीवी के गाड़ी भयंकर चलाते हैं, कभी भी सामने रहते हैं। मतलब मैं पैदल जाता हूँ, मेरे को पैदल जाने में तक लगता है कि यहाँ से जाके उड़ा जाएगा। पॉल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है यार, इतना ज़्यादा, मतलब पॉल्यूशन के कारण बहुत दिक्कतें हैं यार, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इंसान बहुत लंबे समय तक नहीं दिख सकता। दिल्ली में एक से ज़्यादा अच्छा बिल्डिंग है, अच्छी अच्छी है। ये गुड़गांव चौड़ाई, जब मैंने ले लिया हाथ में अपनी गाड़ी, अनलेस को मैं चलाता हूँ गाड़ी को, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं अपन। बहुत कुछ अभी सेटअप बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। मैं सोच रहा था कि अभी के लिए मैं फ़ोन से शूट कर लेता हूँ, और मैंने ईयरफोन लिया था, एक 2-7 ईयरफोन लिया था, और ये मैंने एक हैंड ग्रिप लिया था। तो मैंने सोचा कि अभी तक मैं इससे ही काम चलाता हूँ,
बाद में कुछ पैसे वैसे हो तो मैं GoPro वगैरह लेता हूँ। GoPro तो वैसे है हमारे पास, GoPro तो है, बट जो मतलब पूरा जो GoPro का सेटअप होता है ना हेलमेट का, वो चीज़ लेना है मुझे। अगर ये देख लो ट्रैक्टर को देख लो, मतलब हद है ना, इसीलिए ऐसे रेड लाइट हो जाएगा, हम लोग फंस जाएंगे। वो ये रूल एंड रेगुलेशन नहीं है भाई, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। ट्रैक्टर वालों को तो और कुछ नहीं है, यहाँ तो सब दूर दूर दिख रहा है, कहीं दिखेगा तो बताना चाय भाई के लिए। यहाँ पे तो चावल मिल रहा है, चाय भाई नहीं है। यहाँ पे फूलों की दुकान बहुत है। भाई ना चाय मिल रही है ना खाने वाला कुछ मिल रहा है, बस फूल ही फूल मिल रहा है। क्या पूजा कर रहे भाई लोग यहाँ? पूजा वाला फूल थोड़ा मिल रहा है, वो प्रपोज करने वाला मिल रहा है। यहाँ 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 चाय बना रहे हो क्या अंकल? अभी बनाओ बनाओ बनाओ। कहीं तो चाय देखी पी गए। चाय वही नहीं पीते यहाँ के लोग? चाय नहीं मिल रही थी यार, कितनी दूर से रास्ते में कोई चाय नहीं मिल रही कहीं भी। अंकल गुस्से में लग रहा है। अब तो आपको फोन लगाना। बढ़िया अच्छे से पका देना भैया, कोई देर नहीं हो रहा, आराम से थोड़ा ज्यादा ही पका देना, खा नहीं रहे। सोया होगा पक्का। तो चाय हमारी बन गई है, चाय पीते हैं एंड लेट्स गो, आगे निकलते हैं फिर चाय पी के। लेट्स गो, निकालते हैं गाड़ी सोना से। लेट्स गो। ऐसे आजू बाजू चलते हुए लोग देखते तो ऑड लगते हैं। सही में ऑड लगता है यार, लोग देख रहे हैं तो ऑड लग रहा है, पर ठीक है, कुछ चाय पी नहीं करना है। तो चले लेट्स गो। 55 किलोमीटर जब हमने चैनल स्टार्ट किया था हम लोगों का सपना हो गया था कि अब थार ले लेंगे। हमने कैलकुलेशन वगैरह सब कर लिया था कि भाई इतने डॉलर होंगे, इतना आ जाएगा थार, आ जाएगा 2-3 महीने में। अभी थोड़ा सा क्या है, खर्चा पानी हो गया, वही चीज है। फिर से जोड़ रहे हैं, फिर से जोड़ रहे हैं। गाइस पहुंचने वाले अपन, बता छोटू यार। हैं 1227 गांव में भीड़ लग गई थी भाई, बच्चे ऐसे देख रहे पता नहीं क्या कर रहे भाई। अरे यार सीन ऐसा हो गया कि हम लोग को जाना था मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से, बट वहाँ पे टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है, तो हमको फिर इधर से गुड़गांव वाले राइट साइड से स्टेट हाईवे से आना पड़ा। और फिलहाल हम किसी गांव में हैं, पता नहीं कौन सा गांव है भाई। और अभी हुआ कि एक्चुअली हम लोग आ रहे थे, बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, तो फर्स्ट गियर पे मैंने रेस दी तो बोलता उड़ा दे आगे से उड़ा दे, हंसी छूट गए यार। वो उस टाइम में कैमरा ऑफ था तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वरना मजा ही आ जाता। बताओ सर, वैसा ही है ना अपन, तो सही चल रहा है ना? हाँ मैं बोल रहा हूँ, गाँव में प्रॉब्लम हो रहा है। रुक जाओ, इधर से रास्ता बंद है क्या? यही तो रास्ता जा रहा है, नहीं आगे सर, चलो एकदम अच्छे से बताना है। तो वैसे देख नहीं रहता क्या? चलो बोल बोल बोलना, पता नहीं कौन से गांव में लाके फंसा दिया यार। राइट है कोई रास्ता? ये छोटे छोटे बच्चे भाई, रिएक्शन दे।
यहाँ पे ओ भाई कितने सारे प्याज है। ये पूरा प्याज का खेती चल रहा है। आप बता, देखते रहो, मैं बताओ पहले, तू देखते राइट लेना ना यहाँ से, सीधे राइट नहीं लेना, वही तो बोल रहा हूँ, मतलब मैं मैप देख के भूल याद है मेरे को सब। आप बताना यही पक्का, एक बार दिखा दो तो इधर स्क्रीन पे बस। अरे आ गए क्या भाई, मतलब क्रेज देख रहे हो, वो रहा हाईवे और हमको जाना है उस साइड, ठीक है। एक तो भाई है पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं, इसको देख के अपने मुझे गांव की याद आ गई, गांव में भी ऐसी रोड हुआ, गांव में ऐसी रोड, छोटे छोटे बच्चे। तो पर उधर निकलने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए ना, नीचे से होगा रास्ता तो मोस्टली। लो यहीं से चढ़ा दूं क्या, एक ही पे चढ़ रही है, चढ़ जाएगी। उस साइड जाना है तो रास्ता यहाँ से निकलता है ना अंदर से, बाइक नहीं निकलेगी उस साइड, यहाँ से तो नहीं, इधर से वो आंटी बता रही थी नीचे से रास्ता है कहीं से। इसके साथ निकल जाएंगे रास्ता से निकल, अरे है भाई आगे भी होगा, उतर जा। उतर जाओ, निकल जाएगा ना मैं रास्ते। हाँ बैठो, हाँ भाई हाय कर दो भाई, बाय बाय, थैंक यू भाई। हाँ भयंकर ही कुछ जगह, हम लोगों ने भी तो माउंटेन बाइक बना दिया रॉयल एनफील्ड को, देख लो गाइस जो टू व्हीलर आएगा उसको ऐसे आना पड़ेगा। हाँ भाई चलो राजस्थान भी घूम लिए हरियाणा के साथ साथ, होगा कहीं ना कहीं तो रास्ता होगा ही होगा। वो रहा, यहाँ तो बहुत कुछ है यार, डोमिनोज भी है। अरे डोमिनोज का काट ले गए, अरे सीरियस मैकडी कहाँ है अपना। हम लोग फाइनली पहुंचते हुए, बहुत मेहनत और मकसद के बाद, मेहनत और देर इज नो पार्किंग फॉर टू व्हीलर, वी विल मेक इट वन। हम लोग पहुंच गए यहाँ मैकडी, ये देखो सामने और व्यू देख लो आप लोग, पहाड़ी पहाड़ जो मैंने मतलब देखा था वो हम लोग आ चुके। वैसे तो मुंबई एक्सप्रेस वे पे अलाउड नहीं है टू व्हीलर आना, हम लोग कहेंगे कि गांव में घुस घुस के अंदर माउंटेन बाइक चला गया, ऐसा लग रहा है इसको पहाड़ों के अंदर चला गया। यहाँ पे डोमिनोज भी है उस साइड, मैकडी भी है, डोमिनोज की कार्ट पहली बार देखी, वो जो गाड़ी के अंदर रखा है उसके अंदर रखा पहली बार देखी आज तक, मतलब हमेशा आउटलेट देखता था बट वो उसका आउटलेट वो एक वहाँ पेट्रोल पंप के पास है, वो वहाँ पे और भी बहुत कुछ है खाने के लिए, यहाँ पे मैकडी है सिर्फ, वहाँ पे बहुत कुछ है। एंड आप लोग देख सकते हो पूरी कारीगर खड़ी है, बस हमारा सिर्फ एक टू व्हीलर खड़ा है यहाँ पे, स्पेशल लोग बट ठीक है, हम लोग जाते हैं ऑर्डर खाते पीते हैं अब। एंड द थिंग इज कि आप लोग तो व्यू देख रहे हैं पहले, अगर एक्सप्रेस वे से आपको आना अलाउड नहीं है टू व्हीलर से आना है तो फोर व्हीलर से आप लोग आ सकते हो, वो एक्सप्रेस वे है। और जैसे कि आप लोगों को आना है तो जैसे हम वीडियो देख लेना अंदर अंदर कैसे आना है गाँव से अंदर से, नहीं तो आप लोग अगर एक्सप्रेस वे से आओगे तो आप लोग पकड़े जाओगे क्योंकि अलाउड नहीं है टू व्हीलर्स मुंबई एक्सप्रेस वे पे, सिर्फ और सिर्फ फोर व्हीलर्स अलाउड है। सो वी केम टू मैकडी एंड वी हैव ऑर्डर्ड दिस, ये खाने के लिए हम लोग कितना किलोमीटर है, 90-100 किलोमीटर आ गए। वैसे तो हम लोग ये खाने के लिए नहीं आए, हम लोग बस एडवेंचर लेने के लिए आए थे यहाँ पे कि क्या
कैसे पहुंचे वहां पे, क्योंकि एक्सप्रेस वे पे टू व्हीलर्स अलाउड नहीं है। ये गुड़गांव में मिलता है, सोना में मिलता है, बट हमें आना था 90 किलोमीटर दूर गुड़गांव से। हमारे अंदर चुल है, चुल। आप लोग ऐसी चुल देखते रहोगे मेरे चैनल पे, तो प्लीज पहले से लाइक सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन जरूर बजा के रखना, नए नए चुल आपको दिखते रहेंगे। सर लोग अंदर का व्यू देख लो, ये है पूरा मैकबी, अभी बहुत बड़ा था, अभी बहुत खाली हो गया, बाहर पूरा कार पार्किंग है, अभी बहुत ही भरा था, लाइट जा रही है आ रही है, कोई बात नहीं, मौसम ठंडा है, आते हैं इसको खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको बाद में, मौसम हो रहा ठंडा। चलो बाय बाय मैकबी, बाय बाय। अच्छा था व्यू, हाँ व्यू तो अच्छा था। लेट्स गो। मेरे पास में एक एयरबड्स है। हाँ? एयरबड्स आईफोन का है, पर गाड़ी में लोड लेके आया हूँ ड्राइवर। कितने में? थोड़ा साइड में। चलो। हैं? अरे छोड़ यार। चलो। यहाँ से रास्ता नहीं है ना? पीछे से निकलना पड़ेगा ना। चलो गाइस अलविदा कहते हैं जगह को, अब गाइस अलविदा कहते हैं, और अभी थोड़ी देर के लिए मैं व्लॉग बंद करूँगा बिकॉज बैटरी नहीं है फ़ोन में, और अभी हमको व्लॉग एंड भी करना है, सो इसके लिए मिलते हैं, बाय बाय। गाइस सही चल रहा है ना? हेलो राइट सही चल रहा है ना? गाइस वी आर इन गुरुग्राम। ये देखो टोल बूथ हमने पार किया, और फॉग देखो भाई साहब, इस फॉग में चला के लाए हैं गाड़ी, और टोल बूथ पार करते ही वी आर इन गुरुग्राम। ऐसा लग रहा था कि इतनी विजिबिलिटी कम हो गई थी, धीरे धीरे ला गया हूँ, बट मुंबई एक्सप्रेस में मिल गया था, तो मैंने खींच दी गाड़ी खींच दी, तो हम लोग टाइम ले आ गए। भाई साहब फॉग देखो आप लोग यहाँ पे टोल बूथ है, तो यहाँ पे आपको इतना नहीं पता चल रहा होगा फॉग, लेकिन फॉग बहुत है, विजिबिलिटी हो गई है, डिपर चला के चलना पड़ रहा है गाड़ी का, गाड़ी भी एकदम ठंडी हो गई है, और यहाँ पे आग थी, हमने जैसे ही टोल पार किया ना गुरुग्राम सोना वाला, गुरुग्राम सोना, वैसे यहाँ पे आग मिली, तो ऋषभ वहाँ बैठा हुआ, देखो वो बैठा, कितनी ठंड लग रही है उसकी फटी हुई है एकदम ठंडी हमारे भाई। एंड यहाँ पे हमने चाय भी बनाया, अंकल को चाय भी बना रहे हैं, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं सीधा घर। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, अब हम लोग अपना व्लॉग एंड करते हैं, इधर देखो इधर गाइस पहुंच गया, बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा, फाइनल अपने पीछे पहुंच चुके हैं, और बहुत ठंड है, गलती कर दी हम लोगों ने सिंगल शर्ट पहन के जाके, बहुत ठंड थी, इसको पीजे में छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा घर, क्योंकि मम्मी बुला रही है अब, एंड द थिंग इज कि खाना वाने के लिए रुकना यहाँ पे, बट अब लेट हो रहा हूँ यार, 8 बज गया, बहुत ठंड भी है, निकलते हैं अब सीधा, तो छोड़ देते हैं, साइनिंग ऑफ, बाय बाय, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय।